तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एप्लीकेशन की जिसपे कि जस्ट मनी पे लेटर का ऑप्शन आ रहा है, जिससे कि जस्ट मनी पे लेटर की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करा जा सकता है। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आप भी अपने जस्ट मनी पे लेटर की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे कंटिन्यू देखते रहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर सेट करें। वैसे तो पहले आप लोगों को जस्ट मनी की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि पहले आप जस्ट मनी की लिमिट से अमेजोन का गिफ्ट कार्ड वगैरह बाय करके उसको अमेजोन पे ऐड करके और काफी आसानी से हम लोग उसको अपने बैंक में ट्रांसफर कर पाते थे। लेकिन अभी क्या है कि जस्ट मनी की क्रेडिट लिमिट यूज करने के लिए, इसको बैंक में ट्रांसफर करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, काफी ज्यादा एप्लीकेशन ढूंढनी पड़ती है, काफी जगह ट्राई करना पड़ता है और ये एप्लीकेशन कहीं पे वर्क ही नहीं करती है। यानी कि जस्ट मनी से पेमेंट करने का ऑप्शन ही किसी एप्लीकेशन पे नहीं आता, जिससे कि हम लोग किसी भी एप्लीकेशन की मदद से इसकी लिमिट बैंक में ट्रांसफर नहीं कर पाते। तो देखो, इस वीडियो में जिस एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं तो उस पर जस्ट मनी का तो ऑप्शन आ रहा है, तो इस वीडियो में जो भी होता है वो मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ कि इस प्रकार से इस एप्लीकेशन की मदद से आप जस्ट मनी की लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, कर भी सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, जो भी होता है वो मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ। तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों ने सिंपली आ जाना है गूगल प्ले स्टोर पे। गूगल प्ले स्टोर पे आने के बाद आप लोगों ने सर्च करना है डिजिटल कैश 24। देखो, आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को सर्च करके सिंपली डाउनलोड कर लेना है, जो कि इस एप्लीकेशन के अंदर जस्ट मनी का ऑप्शन ऐड है। तो अभी हम जो है लाइव ही चेक करके देखेंगे कि क्या वाकई में हम इस एप्लीकेशन की मदद से अपने जस्ट मनी की लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर पाते या फिर नहीं कर पाते। जो भी होता है वो मैं आपको लाइव ही बताने वाला हूं। तो सिंपली आप लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसको ओपन कर लेना है। आप लोग जैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसको ओपन करते हो, उसके बाद जस्ट आपने थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि अगर आपने पहले से इस पे अकाउंट बना रखा होगा तो आप लोगों ने सिंपली उसको लॉगिन कर लेना है। अदरवाइज यहाँ देख सकते हो क्लिक हियर टू रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करके आप लोगों ने अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। जो कि अकाउंट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको फोन नेम एंटर करना होता है, पैन कार्ड का नंबर एंटर करना होता है, मोबाइल नंबर एंटर करना होता है, ईमेल एंटर करना होता है और पासवर्ड एंटर करके सिंपली सबमिट पे क्लिक करना होता है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाती है, ओटीपी फिलअप करके आप अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। तो मेरा अकाउंट पहले से यहाँ पे क्रिएट है, चलिए मैं अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। अकाउंट को लॉगिन करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, अमेजोन पे का ऑप्शन बताया जा रहा है, जस्ट मनी का ऑप्शन बताया जा रहा है, बजाज पे का और लेजी पे का ऑप्शन यहाँ पे बताया जा रहा है। अब बात करें इसके ट्रांजेक्शन चार्जेस की और सेटलमेंट की, तो देखो ट्रांजेक्शन चार्जेस इस पे जो है 15% के बताए जा रहे हैं, जो कि ऊपरी बैनर चल, जो कि ऑल पेमेंट ट्रांसफर चार्जेस यहाँ पे 15% के बताया जा रहा है और सेटलमेंट जो है 24 घंटे का बताया जाता है। यानी कि 15% के चार्जेस और सेटलमेंट के लिए 24 घंटे का समय बताया जाता है। तो अभी देखो अपने सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप लोग इस एप्लीकेशन का सपोर्ट वगैरह जानना चाहते हो तो यह मेनू का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल, KYC डिटेल, अबाउट वगैरह, कॉन्टैक्ट, यानी कि जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको यहाँ पे बताया जाता है, व्हाट्सअप सपोर्ट नंबर यहाँ पे बताया जाता है। तो अगर आपके सामने कोई दिक्कत आती है तो आप इनसे जो है व्हाट्सअप पे सपोर्ट के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अभी चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो ऑप्शन आ रहा है ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जस्ट मनी का ऑप्शन आ रहा है, चलिए अभी जो है हम जस्ट मनी पे क्लिक करेंगे। जस्ट मनी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी का नाम, यानी कि हमें जो है अपना नाम एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहाँ पे एक UPI ID एंटर करना है, जिसपे कि हमें जो है ये अमाउंट ट्रांसफर करना है। तो चलिए ये तीनों चीजें मैं फिलअप करता हूँ। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, चलिए सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे देखोगे इसकी यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि अगर आपको इस एप्लीकेशन को यूज करना है, यहाँ से जस्ट मनी वगैरह की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करना है, तो मिनिमम आपको 10,000 रुपए की ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा होता है। तो इस एप्लीकेशन को आप लोगों ने सोच समझ के ही यूज करना है। तो यहाँ पे देखो कि मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन आ रहा है, तो चलिए यहाँ पे जो है मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर करके देख लेते हैं कि इसके आगे क्या ऑप्शन आता है। मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है अमाउंट वगैरह डालने का ऑप्शन आ चुका, जो कि यहाँ पे बोला गया है कि मिनिमम भैया आपको 10,000 की ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे सिर्फ 10,000 रुपए एंटर करके देख लेते हैं, मुझे कोई ट्रांजेक्शन नहीं करना है, मैंने 10,000 रुपए एंटर करे। और उसके बाद यहाँ पेमेंट मेथड पे देख सकते हो UPI, वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पे लेटर और EMI का ऑप्शन यहाँ पे बताया जा रहा था। तो चलिए अभी हम यहाँ पे प्रोसीड टू पे का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करके देख लेते हैं कि इसके बाद क्या ऑप्शन आता है। ठीक है, अब जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि अपने सामने इस प्रकार के ऑप्शन आ चुके, जो कि यहाँ पे UPI, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, EMI ऑन क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, EMI ऑन डेबिट कार्ड का ऑप्शन बताया जा रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे शायद पे लेटर वगैरह का जो ऑप्शन है वो बताया नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे UPI, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह तो सबके ऑप्शन बताया जा रहा है, क्रेडिट कार्ड, EMI का भी ऑप्शन बताया जा रहा है, वॉलेट का ऑप्शन बताया जा रहा है, यहाँ पे कहीं पे लेटर का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो अभी हम यहाँ पे करते हैं कि वॉलेट पे क्लिक करते हैं, वॉलेट पे क्लिक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे वॉलेट में सिर्फ वॉलेट का ही ऑप्शन अवेलेबल है, हम यहाँ से बैक करेंगे। इसके अलावा अगर हम किसी अदर ऑप्शन पे चेक करते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, EMI पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। जो कि यहाँ पे देख सकते हो डेबिट कार्ड EMI में एक्सिस बैंक का ऑप्शन है, ICICI का है और IDBI का है और SBI का, चार बैंकों के डेबिट कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। अभी हम सिंपली यहाँ से भी बैक करेंगे और क्रेडिट कार्ड EMI पे क्लिक करते हैं, तो इस पे देख लेते हैं। तो इस पे भी मेरे ख्याल जो है इस पे काफी सारे बैंकों का ऑप्शन आ रहा है, तो क्रेडिट कार्ड EMI का तो कोई फायदा नहीं है, यानी कि क्रेडिट कार्ड EMI
भाई यहाँ से लेने का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो यहाँ से हम बैक करेंगे और यहाँ पे शायद मेरे ख्याल यहाँ पे पे लेटर का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, जो कि यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो बताया जा रहा है कि जो बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन है वो टेम्परेरी यहाँ पे अनअवेलेबल है रिस्टोर सून, यानी कि काफ़ी जल्दी ये ऑप्शन यहाँ पे आने वाला है, जिसके बाद यहाँ से हम लोग अपने पे लेटर की लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो फिलहाल मेरे ख्याल अभी तो इस पर जस्ट मनी वगैरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है। वैसे यहाँ होम पेज पर तो बताया जा रहा है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो डिजिटल मनी में अमेजोन पे का ऑप्शन बताया जा रहा है, जो कि अमेजोन पे का तो ऑप्शन आ रहा है लेकिन यहाँ पे जस्ट मनी वगैरह का ऑप्शन नहीं आ रहा। जो जस्ट मनी का और जो लेजी पे का ऑप्शन यहाँ पे बताया जा रहा है, इन दोनों का ही ऑप्शन पेमेंट पेज पे नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखो कि इसके अलावा भी कई सारे यहाँ पे ऑप्शन बताए जा रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, रेंट पेमेंट वगैरह के भी ऑप्शन बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे जो है कमिंग सून बताया जा रहा है। तो अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर इसके अंदर पे लेटर के ऑप्शन ऐड करे जाए और उसके बाद हम लोग इस एप्लीकेशन की मदद से हो सकता है कि जस्ट मनी वगैरह की लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर पाए।